हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिराजुल है और पिछले 7 साल से मैं एक गुड न्यूट्रिशन को ले रहा हूँ जिसके मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और इसका बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट एक आया हुआ है जिसका नाम है कश्मीरी कावा एनर्जी ड्रिंक मिक्स अप्रेस। यस, ये जो है हर्बल एप न्यूट्रिशन ने एक नया अप्रेस फ्लेवर लॉन्च किया है जिसका नाम है कश्मीरी कावा। तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसके साथ एक बुक भी आया हुआ है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, बहुत सारी जानकारी दी हुई है इसके बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है। इसमें ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, सोफ्रन है, केसर है, जी हाँ इसमें, और नेचुरल कैफीन पाउडर है। तो ये केसर क्या करता है आप इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ों को जानते होंगे और मैं बताना चाहूँगा कि केसर स्किन के लिए भी अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि ये कश्मीर के स्वाद को इस डब्बे में कंटेनर में लेके आया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। और इसको इसमें कितनी कैलोरी मिलती है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 4 कैलोरी हमको बस मिलती है और इसको 0 कैलोरी ड्रिंक के रूप में हम ले सकते हैं। 0 कैलोरी ड्रिंक इसको कहा जाता है जिसकी कैलोरी 5 कैलोरी से कम है ना, उसको हम लोग 0 कैलोरी ड्रिंक बोलते हैं। तो ये 0 कैलोरी ड्रिंक भी है। अच्छी बात ये है, कौन सी कैटेगरी में इसको रखा जाता है तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको प्रॉपर्टी फूड प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा जाता है। कितना कैफीन होता है तो इसमें 40 मिलीग्राम कैफीन होता है और जिसका काम होता है हमको एनर्जाइज करना और हमारे मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाना। जी हाँ, ये कैफीन कहाँ मिलता है तो मैं आपको बता दूँ कि लगभग 60 प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से ये पाया जाने वाला एक क्षारीय तत्व होता है जिसमें कोकोआ बीन्स है, कोला नट्स है, चाय की पत्तियाँ हैं, कॉफी बीन्स, ये सबसे प्रसिद्ध होती हैं। और कश्मीरी कावा जो है और इसमें ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट मैं बता चुका हूँ, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें कैफीन के प्राकृतिक स्रोत के रूप में लिया गया है। केसर और प्राकृतिक कैफीन के जो पाउडर के रूप में मिलते हैं इसको कौन नहीं ले सकता है। तो इसको नहीं ले सकती हैं गर्भवती माताएं, नहीं ले सकती हैं, छोटे बच्चों को इसको नहीं देना चाहिए और साथ ही साथ जो माताएं और बच्चों को फीड कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, उन माताओं को भी इसको हमको नहीं देना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए लेना थोड़ा कैफीन के प्रति वो थोड़ा संवेदनशील होते हैं, इस वजह से उनको हमको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो कितना कैफीन हम दिन भर में ले सकते हैं अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारा वजन 70 किलो है, ठीक है, मेरा वजन मान लेते हैं हम 70 किलो है तो हमको कितना कैफीन का जरूरत होगा तो 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम हम कैफीन ले सकते हैं, यानी 400 मिलीग्राम से हम कम कैफीन ले तो हमारे लिए बेहतर होगा। FSSSI के अनुसार अगर मैं बात करूं डेली अलाउंस की कैफीन के बारे में तो डेली 3 मिलीग्राम पर kg कैफीन हम शरीर के वजन के बराबर ले सकते हैं, मतलब एक दिन में 300 मिलीग्राम अगर हम लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा और एक बार में हम अधिकतम 200 मिलीग्राम कैफीन ले सकते हैं। क्या एक्सरसाइज के टाइम पे हम कैफीन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं और कश्मीरी कावा में वो थोड़ी मात्रा में कैफीन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस कश्मीरी कावा जो एनर्जी ड्रिंक को ना हम एक्सरसाइज के टाइम पे भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे ध्यान को भटकने नहीं देगा, हम किसी भी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। क्या सोने से पहले ले सकते हैं? ये सारी चीजें बता इस फैक्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्या सोने से पहले ले सकते हैं? तो जी हाँ, सोने से पहले हम लेते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या करता है, हमको एनर्जी देने का और अलर्टनेस देने का काम करता है। तो सोने के पहले अगर हम लेते हैं तो ये नींद की क्वालिटी और टाइम को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कश्मीरी कावा का आनंद अगर आपको लेना है तो आप दिन में किसी भी टाइम लीजिए, मैं तो कहूंगा शाम के 7 PM के पहले लीजिए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, एक दिन में हमको कितना लेना चाहिए तो एक दिन में हम इसके 1 स्पून को हम 160 ml वाटर के साथ ले सकते हैं, हॉट और कोल्ड, और अधिकतम दिन भर में हमको 500 ml वाटर के साथ हम 3 स्पून तक ले सकते हैं। और इसका एक काम ये भी होता है ना कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। तो मैं आज इसके बारे में इतना ही बताना चाहूंगा और इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।